हेलो गाइस, वेलकम टू एलबीएन नूर एकेडमी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एलबीएन नूर एकेडमी। तो मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करने जा रहा हूं, क्योंकि पिछले लास्ट की क्लास थी हमारी 2.1 है, वो कंप्लीट हुई थी। उसके बाद अब ये 2.2 है एक्सरसाइज, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की बात चल रही है, तो 2.2 ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है, इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या होगा, ये है मतलब ऐसा नंबर जिसमें हम 1/2 को क्या करें, सबट्रैक्ट करें, और फिर जो आएगा वो आंसर उसको क्या करते हैं, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें 1/8 मिलेगा। तो वो नंबर क्या है, ऐसी कंडीशन में हम ये जान लें, जब कुछ नहीं दिया होता, एक बात कही जाती है और उसको कोई नाम नहीं दिया, तो हम अपनी तरफ से मैथ में ये होता है रूल कि हम अपनी तरफ से एक नंबर मान लेते हैं, वेरिएबल नंबर, उसको वेरिएबल कहते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर नहीं, वेरिएबल नंबर, इसमें हम कोई नंबर हमारा सॉल्यूशन करें तो हमारा आंसर निकल जाए, कोई नंबर निकल जाए, तो उसको हम मान लेते हैं, ए मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, व्हाटएवर जो भी हो। तो यहाँ नॉर्मली कॉमन एक नंबर हम मानते हैं एक्स। तो यहाँ हम सॉल्यूशन जब शुरू करेंगे तो क्या होगा हमारा, लेट द नंबर इज एक्स, ठीक है, एक्स नंबर है मान लिया। अब इस एक्स नंबर को क्या करें, एक्स इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर, इस नंबर से यानी 1/2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस 1/2, अंडरस्टैंड, ये लिख सकते हैं, इजी है, कोई मुश्किल। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई करना है, इसको जैसे होता है आप x में इसको माइनस नहीं कर सकते, हम प्लस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरिएबल है और 1/2 ये है नंबर, रेशनल नंबर, तो लाइक नंबर अनलाइक नंबर हमने पढ़ा हो छोटी क्लास में, दिया होता है कि लाइक नंबर क्या है, अनलाइक नंबर, लाइक नंबर जो होते हैं वेरिएबल में वो ऐड होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं, अनलाइक ना ऐड होते हैं ना सबट्रैक्ट, डिविजन मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इस पूरे आंसर जो भी आंसर आएगा, जैसे कोई ना कोई आंसर उसका निकलेगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/2, क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमें जो मिलेगा आंसर वो 1/8 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट होगा, वी विल बी फाइंड 1/8 हमें मिलेगा, ठीक है, we will find 1/8 हमें 1/8 मिला। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ऐसी कंडीशन जो होती है, x जहां माना, अब ये हम क्या करेंगे, रूल क्या है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन क्या है, ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, तो ये हमने इसके नीचे जब दैट्स बात है, रेशनल नंबर से हम इसको प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, x को भी रेशनल की फॉर्म में लिख लेंगे, उसके नीचे 1 हम रख देंगे, अब इसको एलसीएम करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 आएगा, 2 आने के बाद अब क्या करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1, अब ये हम ब्रैकेट हटा देंगे, 1/2 इज इक्वल टू 1/8, ये कुछ एक कंडीशन बनी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये पूरा नंबर 1 है, ये पूरा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 2x-1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर एक ही आएगा, लेकिन नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 4 और ये 1/8, ओके। अब नेक्स्ट इसमें स्टेप होगा हमारा क्या, नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये हमारे पास
डिनोमिनेटर में सेम टेबल में नंबर आ रहा है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 4 बचे 4, 4 2 जा 8, तो यहां 2 बचा, यहां 1 बचा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 1 को करेंगे या 2 को इन दोनों से करेंगे, तो 2 को इससे करेंगे तो 2 2 2 जा 4x और 2 1 जा 2 सॉरी 2। उसके बाद हमारे पास नंबर 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया इससे 1 1 जा 1। अब क्या होगा, अब आप इसको हम ले सकते हैं यहां से, हमें क्या करना है, यहां पर वेरिएबल हमें दिया हुआ है x जो हमने माना था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका वेरिएबल में क्या होगा, जो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सारे जितने कांस्टेंट नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे पहुंचा दिया जाएगा। जब कोई नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो वो साइन भी बदलता है, तो 4x 1 यहां लिखा हमने, इसको इधर ला रहे हैं, यहां लिखा दी इसको, ऐसी बात है इसको लिखेंगे नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो माइनस का आता है ये जरा प्लस, तो 4x प्लस 3, ये प्लस होने के बाद 3 आएगा, अब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी क्योंकि 3 अपॉन ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाने के बाद ये हो जाएगा 3/4, तो हमें क्या मिलेगा आंसर 3/4, x is equal to 3/4, ये हमारा आंसर हुआ। ये इस तरह से क्वेश्चन होता है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास ये है, सेकंड क्वेश्चन, द पेरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 150 मीटर पेरिमीटर, its length is 2 meter more than the twice its breadth, yani breadth se dugna hai, do zyada hai usme, what are the length of the pole, kehne ka matlab ye hai pole diya hai rectangular shape mein, uske charo side hai, un charo sides ka jo length hai 154 hai, 154 hai, unhone kaha ki iski jo length hai वो ब्रेथ से दो ज्यादा है उसकी दुगने से, यानी ब्रेथ की ब्रेथ से दोगुना और फिर उसमें टू ज्यादा है, दुगना भी है और उसमें टू ऐड भी प्लस एक्स्ट्रा है, तो लेंथ है ये, तो ब्रेथ हमें बताएगी, तो जब जाहिर सी बात है यहां पर ब्रेथ नहीं दी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या करा, माना था लेंथ किया था, क्या हम यह मान लेंगे let the breadth is x centimeter, x centimeter नहीं meter, understand, ये breadth है x meter, अब बात होगी length की, length हमें देखना है, लेंथ इज, लेंथ क्या कहा, दुगने से दो ज्यादा, मतलब एक्स का दो गुना 2x हो जाएगा, उससे भी दो ज्यादा, ये हमारा लेंथ, तो हमें क्या पता करना, दोनों जैसे होते दोनों लेंथ और ब्रेथ में मालूम करके इसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये पेरिमीटर है, तो पेरिमीटर का फार्मूला कौन सी है, तो हम कहते हैं पेरिमीटर ऑफ द पोल इज इक्वल टू कितना है 154 मीटर। अब पेरिमीटर ऑफ पोल का फॉर्मूला क्या है, पेरिमीटर ऑफ पोल, पेरिमीटर का पेरिमीटर ऑफ पोल, पोल जो है हमारा वो रेक्टेंगल शेप में है, ये तो जैसे का रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है पेरिमीटर का, वो होता है 2l plus b is equal to 154 मीटर। अब हम क्या करेंगे, लेंथ भी हमारे पास है और ब्रेथ भी हमारे पास है, हम पुट कर देंगे l और b में और सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा आंसर इजीली, तो हम क्या करेंगे
एल की जगह पर हमें रखना है 2x+2 और ब्रेथ की जगह पर x और हमारा आंसर इस तरह से आएगा। अब इसको देखेंगे, ये 2x है, ये x है, दोनों जुड़ जाएगा सेम लाइक लाइक वेरिएबल जुड़ेगा 3x+2। उसके बाद हमारे पास 1 by 1 स्टेप हम आपको बताएंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट जब हटेगा तो ये मल्टीप्लाई होगा दोनों से, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो दोनों नंबर के लिए होता है, जितना भी ब्रैकेट के अंदर होता है वो सबके लिए होता है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइडेड। 2 3 6x 2 2 4। अब हमारे पास ये ब्रैकेट हट चुका है, अब हम यहां करेंगे ये 4 इधर जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें x रखना है, x फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास 6x इक्वल का निशान दिया क्योंकि 4 इधर जाना है, तो 154 ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर होगा 150। x की वैल्यू होगी 150 अपॉन 6। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 में डिवाइड करेंगे, 6 1 6 और 6 2 12 यही पे डिवाइड हो जाएगा, अभी 12 इसमें से हटा तो बचा 3, 0 लगाकर 30 हुआ, 6 5 30, 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आया सर, 25, यानी x कितना है हमारा 25। इसका मतलब क्या है, ब्रेथ। ओके, अब हमारे पास क्या है, लेंथ, लेंथ हमें पता करना है, तो b हमारे पास आया x, b हमारा x है जिसकी वैल्यू है 25 और L हमें पता करना है, लेंथ इसमें हमने दे रखा है, क्या लेंथ है हमारे पास, तो 2 × x की वैल्यू 25 है प्लस 2, तो हमारा क्या होगा 25 × 2 ये हो जाएगा 50 + 2 = 52। ओके यस अंडरस्टैंड, ये हम कर सकते हैं इसको इस तरह से इजीली, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।